हेलो फ्रेंड्स, मैं जहीर खान मुंबई से ZM इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, एक हायर का LED TV आया है हमारे पास, जिसका मॉडल नंबर आपने देखा अभी। तो इसमें जो है नो पिक्चर का फॉल्ट है, बैकलाइट ओके है और साउंड का भी अभी इसमें प्रॉब्लम आ गया है। एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि मेरे एक टेक्नीशियन फ्रेंड ने जो है इसमें सर्विस मोड के में जो है थोड़ा सा फेर बदल किया था, जिसके बाद से इसमें नो पिक्चर हो गया था। फ्रेंड्स, इसका बोर्ड का नंबर आप देख सकते हैं। तो एक्चुअल में टेक्नीशियन के पास ये आया था मिरर फॉल्ट के लिए, इसमें पिक्चर उल्टा हो गया था, तो उसको सही करने के लिए आया था। तो उसने जो है सर्विस मोड खोल के और सब जो है चेंजेस कर कर के देख रहा था एक एक करके, क्योंकि इसमें मिरर का कहीं पे लिखा हुआ नहीं था, तो वो अंदाजे से कर रहा था, इसलिए जो है ये नो पिक्चर हो गया। तो उसके बाद ये सेट मेरे पास आया हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ अभी सेट को ऑन करके। अभी आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर सेट स्टैंड बाई में है, अभी सेट को जैसे ही ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद से आप देखेंगे इसमें जो सिम्टम आया है अभी, ये आप देखिए सिम्टम इसका यही है। अभी ये नो पिक्चर हो गया है, बैकलाइट ऑन रहता है, हल्का ब्लू भी दिखाई देता है, लेकिन अभी पिक्चर साउंड दोनों ही नहीं आ रहा है, सिर्फ सेट ऑन ऑफ हो रहा है और सिवाय बंद चालू के इसमें बाकी कुछ काम नहीं कर रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टैपिंग करने पे स्क्रीन पे सिर्फ लाइट फ्लश हो रहा है, उसके अलावा कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यही टीवी का सिम्टम है अभी फ़िलहाल। तो आइए हम एक बार देखते हैं इस सेट में बोर्ड कौन सा लगा है। तो मैं आप सबको इस बोर्ड का नंबर दिखाता हूँ अभी, TP.MS3553.PB801, इसमें बोर्ड लगा हुआ है। यह फ्लैश IC है, इसी IC को हमें प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम करने के लिए IC हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें राइट प्रोटेक्ट है। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने IC निकाल के प्रोग्राम में लगा दिया है। अब इस बोर्ड का सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने फोल्डर बना के रखा है इस बोर्ड के लिए, जो है 3-4 सॉफ्टवेयर मेरे पास है अवेलेबल। तो ये हायर का जो है बोर्ड है और इसमें हमने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको राइट करके देखते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं वैसे वीडियो बीच बीच में स्किप कर दे रहा हूँ ताकि समय कम लगे। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो स्किप कर दिया है, ये तीसरी या चौथी बार मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो आगे का मैं दिखा, इस IC में प्रोग्राम तो हो रहा था जैसा कि अभी हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो प्रोग्राम हो रहा था और काफ़ी टाइम ले रहा था, और ज़्यादातर जो है 96-97 तक जाके और उसके बाद एरर आ जाता था। और कभी अगर गलती से प्रोग्राम हो भी गया तो ऑटो वेरीफाई में एरर आ जाता था। इसमें जो IC लगी थी उसका नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप, GD25Q32 है। तो अभी इसी IC को हम प्रोग्राम कर रहे हैं वापस। तो फ्रेंड्स, इसमें बार बार प्रोग्राम करने के बावजूद भी प्रोग्राम हो नहीं रहा था जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आपको जो है इसको बता दूँ, सही से बता दूँ, ताकि आप कभी ना फंसें। अगर ऐसा कभी ऐसा इशू आता है कि आपके IC में प्रोग्राम तो होता है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है,
या बहुत देर बाद होता है और बाद में एरर आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको आईसी बदलना पड़ेगा, दूसरे आईसी में प्रोग्राम करना पड़ेगा। क्लैश आईसी मैंने अभी बदल दिया है, अब वापस जो है उसमें प्रोग्राम भी मैंने कर दिया है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने फ्लैश आईसी लगाया है, उसका नंबर आप देख सकते हैं MX25L3205 है। फ्लैश आईसी हमने दोबारा लगा दिया है और अब लगाने के बाद से सेट को ऑन करते हैं एक बार और देखते हैं कि इस आईसी में प्रोग्राम सही से हुआ कि नहीं। राइट, तो सेट को ऑन करके देख लेते हैं एक बार। सेट को मैंने ऑन कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्ट डिस्प्ले आ गया, हायर लिखा हुआ आ गया। ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है और इसमें अभी जो है पिक्चर उल्टा है, तो इसको तो जो है ये सेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे पास कंफर्म रखा हुआ सॉफ्टवेयर है और इसमें मिरर ऑप्शन है। तो आपका मैं समय आप सबका ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। हाँ, इसमें जो रिमोट चलता है वो मैं आपको दिखा दूँगा, इसमें जो रिमोट चलता है उसका भी फ़ोटो दिखाता हूँ। और इसका जो सर्विस कोड है वो आपका जो है मेनू 1147 है और ये हायर का ओरिजिनल रिमोट ही इसमें चलता है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सेट हमारा ओके हो गया।